हेलो स्टूडेंट, दिस साइड मुस्लिम असलम। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट कॉन्ट्रडिशन एंड कॉन्टीजेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? टोटोलॉजीज़। आई होप आपका टोटोलॉजीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको तीन चार टेबल दिखाई थी। आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे टोटोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रडिशन और कॉन्टीजेंसी की, ठीक है। कॉन्ट्रडिशन में देखिए, इन कॉन्ट्रडिशन इट इज़ अ फार्मूला विच इज़ ऑलवेज फॉल्स For all values, that means if we have to prove something, then the final output or final value should be false. ठीक है, ये contradiction में क्या होता है कि आपकी condition जो भी आती है, वो जो last आपकी कोई statement दे रखी होती है, उस statement से आपकी जो last value हो वो all false आए, ठीक है, आपका जो final output है वो false आए, वो आपका क्या कहलाता है? contradiction. If all value are false, then this इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रडिशन। उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिशन। चलिए हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक स्टेटमेंट से। देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है पी इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में दे रखा है निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं, कितने एलिमेंट दे रखे हैं पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू मतलब टू एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर आएगा, तो आपका फोर बनेंगे जो ट्रू फॉल्स फोर बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? एक टेबल में आप क्या लोगे? पी लोगे, एक में क्यू लोगे। तो आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप राइट साइड से देना स्टार्ट करोगे। अगर दो एलिमेंट दे रहे हो पी एंड क्यू रख रहे हो, तो क्यू की तरफ से आप देना स्टार्ट करोगे। तो क्यू को क्या दोगे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब जब पी है तो पी को दो ट्रू दो फॉल्स ऐसे दोगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था अगर तीन होते पी क्यू आर, तो आर की तरफ से देना स्टार्ट करते। पी को पी के पास फिर क्या आते? चार ट्रू चार फॉल्स ऐसे करके आते, फोर टाइम ट्रू फोर टाइम फॉल्स, ठीक है। अब बट यहाँ पे दो हैं तो हमारा क्यू की वैल्यू जो होगी एक बार ट्रू फॉल्स, और पी की वैल्यू टू दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। अब हम इसके अब हमें देखते हैं इस स्टेटमेंट में निगेशन पी भी दे रखा है, तो नेगेशन पी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। नेगेशन पी हमने लिया, तो नेगेशन पी में आप देखिए नेगेशन मतलब पी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आपकी ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगी और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो नेगेशन पी था, देखिए पी पी में आपकी ट्रू वैल्यू थी तो ये फॉल्स हो गया, पी में आपकी ट्रू वैल्यू थी ये फॉल्स हो गया, फिर ये देखिए फॉल्स है तो ये ट्रू कंडीशन दे रहा है। अब ये आपका नेगेशन पी भी निकल आया। अब आपको फाइंड करना है नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को हमने क्या लेट कर लिया? ए ए लेट कर लिया। अब ए को आप क्या कैसे निकालोगे? नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो आपके पास नेगेशन पी भी सॉल्व हो गया है और क्यू भी आ गया है, तो दोनों चीज़ें फाइंड है। अब दोनों चीज़ों से आप देखो कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था कि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स आएगी तो वो आपकी कंडीशन फॉल देगा, ठीक है, फॉल्स देगा। तो आप देखिए नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो एक वैल्यू नेगेशन पी में आपका फॉल्स है और क्यू में आपका ट्रू है, तो कंडीशन फॉल्स, ठीक है। ऐसी नेगेशन पी में फिर आपका फॉल्स है और क्यू में आपका फॉल्स दे रखा है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स, एक भी फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स देगी, ठीक है। नेगेशन पी में आपका ट्रू है, क्यू में ट्रू है, तो यहाँ कोई भी फॉल्स नहीं था तो कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब नेगेशन पी में आपका ट्रू है, क्यू में आपका फॉल्स है, तो एक क्यू में फॉल्स आ गया, तो अब कंडीशन क्या देगा? फॉल्स। तो आपका ए भी सॉल्व होके आ गया, नेगेशन पी और इंटरसेक्शन क्यू। अब हम बात करेंगे, ये आपका ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब हमें क्या निकालना है? पी इंटरसेक्शन ए। पी इंटरसेक्शन ए मतलब जो हमने नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू को लेट कर रखा था ए, तो पी इंटरसेक्शन ए आपको करना है। तो आपके पास पी भी है, पी देखिए स्टार्टिंग में है और ए आपका ये निकल आया है, तो अब पी इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आपकी कंडीशन फॉल्स देगा। तो देखिए पी में आपका क्या है? ट्रू, और ए में आपका क्या है? फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, एक कंडीशन फॉल्स थी तो कंडीशन फॉल्स, ठीक है। पी में आपका क्या है? ट्रू, और आपका ए में क्या है? फॉल्स, तब भी कंडीशन ये फॉल्स देगा, ठीक है। पी में आपका फॉल्स है और आपका ए में क्या है? ट्रू है, तो पी में आपका फॉल्स था तो इसलिए कंडीशन ये फॉल्स देगा। पी भी फॉल्स है आपका और ए भी फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स। तो आपकी ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स आ गई, तो आपका ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रडिशन, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ये देखिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल वन में एक स्टेटमेंट दे रखी है और लिखा है इज़ अ टोटोलॉजीज़। हो सकता है एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट दे दे और इसके आगे ये लिख दे इज़ अ टोटोलॉजीज़, तो आप इसका जो स्टेटमेंट है उसको पहले सॉल्व करोगे। अगर वो टोटोलॉजीज़ है तो लिख देना हाँ यस इट इज़ अ टोटोलॉजीज़, अगर वो नहीं है तो नो लिख दोगे, ठीक है। तो हम ये स्टेट टोटोलॉजीज़ में आपको पता होता है कि ऑल वैल्यूज़ आपकी ट्रू आती हैं, ठीक है, और आपका जो कॉन्ट्रडिशन है उसमें फॉल्स आती हैं। तो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉन्ट्रडिशन से,
तो हम देख लेते हैं टोटोलॉजीज़ का। टोटोलॉजीज़ में आपको क्या दे रखा है, पी क्यू। पी क्यू दो ही दे रखे हैं, तो दो की, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि 2 की पावर 2 होगा तो 4 बनेंगे। क्यू से स्टार्ट देना करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और पी आपके 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स आ गए। अब आप देखेंगे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू भी मैंने आपको बता दिया, एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका इंटरसेक्शन में फॉल्स आता है। तो ये आपका जो पी इंटरसेक्शन क्यू, ये भी आपका निकल के आ गया। पी क्यू ट्रू थे तो ट्रू वैल्यूज आ गई, ट्रू फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स थी तो फॉल्स आ गई, फॉल्स ट्रू तो कंडीशन फॉल्स थी पी में, तो कंडीशन आपके यहाँ पी इंटरसेक्शन क्यू में फॉल्स आ गया। अब पी एंड क्यू दोनों फॉल्स थे नीचे तो कंडीशन फॉल्स आएगी, तो पी इंटरसेक्शन क्यू आपका निकल के आ गया। पहली कंडीशन इसकी ट्रू आई है और जो तीनों कंडीशन है वो फॉल्स आई हैं, ठीक है। अब हम इसका नेगेशन कर लेंगे, तो जो ब्रैकेट का नेगेशन करेंगे, नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एक वैल्यू ट्रू थी फॉल्स, और ऑल वैल्यूज़ आपकी जो तीन वैल्यू थी वो ट्रू थी, तो एक कंडीशन आपकी फॉल्स आई और जो नीचे की तीन वैल्यू हैं वो आपकी ट्रू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास पी इंटरसेक्शन क्यू भी आ गया, नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू भी आ गया। अब आप क्या करोगे, आप इसको चाहते तो ए भी मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आप नीचे स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अब इसका यूनियन करना है, पी यूनियन नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब आपके पास नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू आ चुका है, उसका यूनियन करना है किसके साथ, पी के साथ। तो पी एक भी यूनियन की कंडीशन क्या कहलाती है, कि यूनियन की कंडीशन आपकी कहलाती है कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो कंडीशन आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो अब देखिए पी आपका क्या था, ट्रू, और नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू क्या था आपका, फॉल्स था। तो ट्रू फॉल्स, तो एक कंडीशन ट्रू थी इसलिए उसने ट्रू दे दिया। फिर ऐसे ही आपका पी की कंडीशन फिर से ट्रू है, और नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू आपका ट्रू है, तो दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तब आपको कंडीशन ट्रू ही मिलेगी, ट्रू मिल गई। और आपका फिर देखिए पी जो है वो आपका फॉल्स दे रखा है, नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू आपका ट्रू दे रखा है, तो एक कंडीशन इसमें ट्रू है तो तब भी ट्रू मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका नेगेशन पी फॉल्स दे रखा है और नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू आपका ट्रू दे रखा है, तो कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो देखिए ट्रू ट्रू आ गई, तो हाँ ये टोटोलॉजीज़ है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कॉन्ट्रडिशन का। कॉन्ट्रडिशन में आपको फॉल्स वैल्यू चाहिए होती हैं, उसके लिए स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट से आपको चेक करना है और फिर बताना है अगर आपकी ऑल वैल्यूज़ फॉल्स आ रही हैं तो आपका ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रडिशन। तो इसके लिए भी आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दे रखा है तो 2 की पावर 2 4 बनेंगे। इसमें भी क्यू को आप ट्रू दे देना, फॉल्स दे देना, ट्रू दे देना, फॉल्स, ऐसे आप कंडीशन दोगे। अब आप इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू है तो पी इंटरसेक्शन क्यू लिख लिया, पी यूनियन क्यू है तो पी यूनियन क्यू लिख लिया, फिर नेगेशन किसका निकालना है, पी यूनियन क्यू का निकालना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू में आप क्या करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू आपकी फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स दे देते हैं। दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स दिया ही जाएगा, लेकिन एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। ऐसी यूनियन में होता है कि एक भी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, तो वैल्यूज़ आपकी ट्रू देगी, अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही, ठीक है। ऐसे अब नेगेशन पी यूनियन क्यू कर लेंगे। अब नेगेशन पी यूनियन क्यू देख लेंगे, तो नेगेशन पी यूनियन क्यू में क्या होता है कि अगर आपका नेगेशन किसी के आगे लग जाए तो वो उसके अपोजिट हो जाता है। तो पी यूनियन क्यू का देख लेते हैं, नेगेशन जब होते आपकी वैल्यू पहली ट्रू थी तो ये फॉल्स दे देगा, फिर दूसरी वैल्यू ट्रू थी ये फॉल्स दे देगा, तीसरी वैल्यू भी ट्रू थी तो ये फॉल्स दे देगा, लास्ट वैल्यू आपकी इसकी 4 वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो ये ट्रू दे देगा। तो आपका नेगेशन पी योर यूनियन क्यू भी निकल के आ गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपको पता ही है, तो ऑल वैल्यूज आपकी क्या आ गई, फॉल्स आ गई, तो आपका ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रडिशन। अब हम बात करेंगे कॉन्टीजेंसी की। कॉन्टीजेंसी क्या होता है, कॉन्टीजेंसी में आपके क्या होता है, मिक्सचर वैल्यू, मतलब मिक्स वैल्यूज आए, मिक्सचर मतलब मिक्सचर ट्रू फॉल्स का मिक्सचर आए लास्ट में, जो आपका लास्ट रिजल्ट है या फाइनल रिजल्ट है उसमें मिक्सचर आए, वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्टीजेंसी। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ कॉन्टीजेंसी इज अ फार्मूला विच हैव सम बोथ नेगेशन, ये नेगेशन भी कुछ नहीं है, इसको वो कर दीजिएगा, दूसरे पेज का आ गया है, ठीक है, ट्रू वैल्यूज एंड फॉल्स वैल्यूज, डेट मीन इफ द फाइनल रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू बोथ, देन दिस स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंसी, ठीक है। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मतलब बोथ वैल्यूज़ आपको आएंगी, देखिए लिखा है बोथ ट्रू वैल्यूज़ एंड फॉल्स वैल्यूज़, दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब एक भी आपकी ट्रू वैल्यू आ जाए या एक भी फॉल्स वैल्यू आ जाए, मिक्सचर होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्टीजेंसी कहलाती है, ठीक है। अब हम इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्टीजेंसी पे। कॉन्टीजेंसी का एक स्टेटमेंट मैंने नीचे दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नेगेशन ए। तो पहले आपको इसमें देखो, ए और बी दो स्टेटमेंट है, सी तो नहीं दे रखा है कहीं, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4,
फोर आपकी कंडीशन बनेंगी, तो ए बी, बी से देना स्टार्ट करो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ए को दे दिया दो ट्रू दो फॉल्स। अब आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट क्या था, ए यूनियन बी का था, तो ए यूनियन बी का ब्रैकेट हमने लिया, तो ए यूनियन बी आपको पता है कि एक भी ट्रू वैल्यू होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो देख लीजिए, ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू वैल्यूज़, ए ट्रू है बी फॉल्स है तब ये ट्रू वैल्यूज़, ए फॉल्स है बी ट्रू है तो एक ट्रू था यहाँ तो ये भी ट्रू वैल्यूज़ देगा, ए भी फॉल्स बी भी फॉल्स, जब दोनों ही फॉल्स है तब आपको कंडीशन फॉल्स मिलेगी। अब आप क्या निकालोगे, नेगेशन ए, क्योंकि देखिए इसके बाद एक ब्रैकेट में आपका नेगेशन ए था, तो नेगेशन ए क्या होता है, ए का अपोजिट हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है ये कंडीशन भी आ गई। अब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नेगेशन ए, तो देखिए आपके इसका जब इंटरसेक्शन करते हो, इंटरसेक्शन क्या होता है, एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपका वो क्या फॉल्स कहलाता है। तो देखिए नेगेशन ए के साथ करना है आपको ए यूनियन बी का, तो दोनों पास पास में ही है, ए यूनियन बी नेगेशन ए का करिए, ट्रू ए यूनियन बी ट्रू है नेगेशन ए फॉल्स है, तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स, ये नेगेशन ए यूनियन बी ट्रू है नेगेशन ए है तो ये क्या है, फॉल्स, ये आपकी कंडीशन फॉल्स कहलाएगी। ये दोनों ट्रू थे तो एक ट्रू मिला ये फॉल्स, मतलब आपको मिक्सचर मिला, मिक्सचर मिला तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉन्टीजेंसी। देखिए मैंने नीचे लिखा, यस द स्टेटमेंट इज़ कॉन्टीजेंसी एट इट इट हैज़ द मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज, तो ठीक है ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्टीजेंसी। तो आपको मैंने कॉन्टीजेंसी पे भी एग्जांपल दिखा दिए, टोटोलॉजीज पे भी दिखा दिए और कॉन्ट्रडिशन पे भी दिखा दिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।